सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर बॉय स्टार बॉय। सो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं वीडियो बनाने। कहाँ जा रहे हैं? अंचल प्लाजा जा रहे हैं। और आप लोगों को एक बात बतानी थी गाइस कि हमारी बहुत पुरानी फ्रेंड है, अब उसका नाम गिरीश थापा है। ग्रेस थापा नहीं नाम ही अजीब सा है। और वो यहाँ नहीं रहती है, दिल्ली से बिलोंग नहीं करती, वो नेपाल से बिलोंग करती है। तो जैसे उसको पता चला कि मैं अभी अकेला वीडियोस बना रहा हूँ, लाइक सपना और मेरा कुछ नहीं है अब, हम दोनों का थोड़ा सब कुछ ख़राब हो गया है, तो टोटली ख़राब हो चुका है हम लोगों का। तो हम लोग जाने वाले हैं आज मेरी फ्रेंड से मिलने, और उसके साथ एक प्रैंक करूँगा मैं बहुत तगड़ा वाला, बिकॉज वो मुझे बहुत पसंद करती है, मुझे बहुत लाइक करती है वो लड़की। सैम को पता है बात, बिकॉज क्योंकि वो जैसे उसने सुना वो नेपाल में अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के, वैसे वो स्टडी करती है अभी, उसने अपने स्टडी वगैरह छोड़ के वो सीधा दिल्ली आ चुकी है। एंड वो दो तीन दिन हो गए। हाँ, तीन दिन हो गए। आप लोगों ने रील देखी होगी मेरी इंस्टा पे, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं वो लोग। तीन दिन पहले वो दिल्ली आ चुकी है, फिर आज मतलब फुर्सत से हमने सोचा कि उससे मिलते हैं और उसके साथ प्लान करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो वीक चल रहा है, तो हम लोग उसके साथ करने वाले हैं बहुत तगड़ा प्रैंक। आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी जाते हैं, सबसे पहले सामान वगैरह लेते हैं, वो भी अभी आने वाली है। चलो फिर मिलते हैं। ऐसा लगेगा पूरा कंपोज वाला सीन। फिर एंड में उसको चलो बताते हैं आगे। प्रैंक के बारे में अभी नहीं बताना कुछ भी। चलो आगे, चलो मिलवाते हैं। भाई कैसे बनाते हैं? तो हम लोग आ चुके हैं फूल का दुकान पे, और ये रहे फूल थोड़े हैं, हमने पूरे के पूरे। ये वैलेंटाइन डे पे इतने महंगे क्यों होते हैं? ये महंगे हो गए बहुत ज़्यादा। हमने लास्ट में कभी गर्लफ्रेंड नहीं थी, पहले हम फिर गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाए जो हम किसी गर्लफ्रेंड में थे। और उसको ऐसा लगेगा कि सच में यार ये बहुत ज़्यादा, इससे मतलब मैं भी उसको लाइक करने लग गया हूँ, पसंद करने लग गया हूँ। मतलब ऐसा बिल्कुल भी लगेगा कि ये इसको एक्सपीरियंस है गर्लफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का बिल्कुल। हाँ, मुझे पता है कि कैसे प्रपोज करना है, क्या करना है, चलो कैसे करना है। हाँ, आइडिया नहीं है। हाँ, अभी देख सकते हो जैसे अंकल रेडी कर रहे हैं, अभी दिखाता हूँ आपको टाइम लिफ्ट में, ठीक है? शू मैं एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ पता नहीं, जबकि तू देने जा रहा है एक्साइटेड मैं हो रहा हूँ, लग रहा है कि मैं प्रपोज करने जा रहा हूँ। तो अभी देखना इसके साथ क्या करने वाला हूँ मैं। गाइस जी, हर बार पता क्या करता मेरे साथ, अगर मैं कुछ मतलब यूँ नहीं करता हूँ तो मेरे साथ बहुत गंदा वाला कॉमेडी लगाता है, और इस बार भी लगाएगा इस बार। तो चलो अभी बस रेडी होने वाला है, फिर आगे मिलते हैं। तो अभी हमारे हाथ में आने वाला है ये भैया, तो क्या और ये शॉप कहाँ पड़ता है? कहाँ पे पड़ता है ये? मंगोलपुरी एच ब्लॉक के पास पड़ता है। बहुत सही, मतलब जेन्युइन प्राइस पे इतना अच्छा, मतलब आपका मतलब यहाँ पे आने का फायदा हो जाएगा, और वैलेंटाइन वीक के बाद और सस्ते हो जाते हैं। इसके बाद और सस्ते हो जाएंगे, तो आ जाना यहाँ पे एक बार जरूर विजिट करना। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखो मेरे को वैलेंटाइन डे गिफ्ट दे दिया इसने। चलो मिलते हैं गाइस आगे, ठीक है भैया। सो हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने कार पे, अब हम लोग जाने वाले हैं जनकपुरी वेस्ट, वहाँ पे वो हमारी फ्रेंड जो है वो मिलेगी, वेट कर रही है वो। तो चलो देखते हैं क्या होता है, उसके साथ एक उसकी फ्रेंड भी है ना। हम हमेशा वेट करवाते हैं, क्यों हम नहीं वेट करते हैं। तो गाइज अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, एक घंटा हो गया हमें वेट करते करते, बहुत बुरा लग रहा है। देख सकते हो अभी उसके घर के सामने खड़े हैं हम लोग, और गाड़ी ऑन है, ऐसे चला रखा है, गर्मी बहुत हो रही है, और ये भी व्लॉगिंग कर रहा है। और आपको एक बार और एक चीज़ आप लोगों को किसी से मिलवाने भूल गए थे। हेलो हेलो, तो कैसे हो आप लोग? एक बार और मोनू कर दे। हेलो, शर्मा रहा है वो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? चलो फिर वेट करते हैं गाइस, बहुत ज्यादा गाइस जो कैरी मिनाटी का फैन है ना कमेंट कर देना यार। सारे फैन है कैरी मिनाटी,
हम भी बहन है उसके तो। और क्या देख। So guys, वो लोग आ रहे हैं, देखो कितने धीरे धीरे चल के आ रहे हैं, मारते हुए आ रहे हैं, बच्चों को मारते हुए आ रही है। वो देखो दिख रही होगी छोटी सी बच्ची, और एक उसकी फ्रेंड है बहुत बड़ी बुद्धी सी। ये देखो अभी पहले तो उनको अंदर नहीं आने देंगे। अंदर नहीं आओगे तुम लोग? अंदर नहीं आओगे, लेट क्यों आए तुम? लेट क्यों आए हो इतना लेट? कैसे नहीं खोल रहे गेट? क्या बोला था? गेट नहीं खोलेंगे। अच्छा, इतना लेट कैसे आए? ये देखो, ये है मेरे फ्रेंड। हाय, हेलो, हाय। ये उसकी फ्रेंड, मतलब हमारी फ्रेंड। नहीं, उसकी फ्रेंड। चलो गाइस, अभी चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं आपको ब्लॉग के साथ। जैसे कि आप लोग को पता है, ये लोग देखो अभी तक खाना भी नहीं खाया इन्होंने, ऐसे कैसे हो गया? भाई हमने नजर नहीं लगाई, तुम लोगों ने लेट करवा दिया इतना। चलो मैं, अगर कोई अंसल है मिलेगा तो मैं भी करता हूँ। ये देखो, ये देखो, खुली नहीं रही है। खोल ला भाई, खोल दे। ये देखो गाइस, इसके बाल देखो कितने लंबे हैं। देखो खोल दे, मेरा नहीं है वो, लो खोल। लेट हो जाएगा, उसको छुपा लो थोड़ा। क्या छुपा लो? अच्छा, ये इससे भी नहीं होगा यार, मेरी पैंट खराब हो रही है। डिंपल भी नहीं कर पा रही है वैसे। राइस, हाँ डिंपल, इसका नाम तीन चार टाइप के नाम है इसके। एक ग्रेस डिंपल, ग्रेस मतलब क्या नाम है? ओके, मेरे भी चार पांच नाम है राइस। मेरा एक ही नाम है, स्टार बॉय आकाश, जसवंत, जस्सी। और आप लोगों को पता है घर में और क्या क्या नाम हो सकता है? आप लोग भी समझ समझ गए, कुछ नहीं समझे तू, इससे भी निकल रहा है। गाड़ी आगे लेना, चल रहे बस। चलो गाइज, अब सीधा डायरेक्ट हम लोग लोकेशन में चल रहे हैं, तो आप लोग सबसे मिल लिए होंगे, तो ये इतना तो काफी है। आगे चलते हैं, आगे का सीन आगे बताते हैं। लोकेशन में मिलते हैं। तो गाइज, देख सकते हो ये स्टोरी कैसे बना रही है। ठीक है गाइज, देखो आप लोग कैसे कर रही है स्टोरी बनाते।
लाइट चालू है। तो गाइस ये अपने बालों में ना कलर कराने के लिए बोले, कौन सा कलर कराएगी? पर्पल। तो ये पता क्या लगेगी, जंगली बिल्ली। मत बोला ऐसे, फिर गुस्सा हो जाएगी। इतना गंदा था ये, स्टेशन पे लेने तक नहीं गया था इसको, है ना? नहीं जाना मुझे, तू कौन होता है? उससे तो बात ही नहीं कर रहा मैं, तुम तो चुप ही रहो मेरे से। मेरी बात समझ जाओगे तो ठीक है, गाइस पता है। ऐसा लग रहा है इसने मेरे भी गिफ्ट कर दिया है। तो गाइस ये देखो, मुझे हक करने छोड़ के अपने बेस्ट फ्रेंड को हक कर रही है ये। क्या चल रहा है ये? तो हमें किस कौन करेगा? कोई नहीं, आपको भी कर देंगे। बुलाओ ना। अगर ऐसे नॉर्मली अगर किसी को हक कर रहे हो जाते हैं, फ्रेंड्स को भी तो कर सकते हैं। आप लोग मत थकना, बस लाइक करो। चलो देखते हैं आगे क्या होता है और क्या करने वाले उसके बाद तुम लोग, और उसके बाद हक डे मनाएंगे और डांस करेंगे। और तो अभी खाना भी लेकर आई है, कुछ हो जाएंगे। तो अभी परीक्षित और मेघा आने वाले हैं, तो चलो वेट करते हैं उनका, फिर देखते हैं क्या होता है। तब तक मैं वीडियो बना देता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है? तो बाय। क्या है कि सब क्यों कर रहे हो? स्टार्ट। गाइस आप लोगों ने देखा ना कितनी बुरी तरह मेरे को ट्रीट कर रहा है प्रकाश, बहुत गलत बात है। क्या करूँ, हो गई है। फ़ोन खोलने को बोला, फ़ोन भी नहीं खोल के दिया। मेरी वीडियोस भी नहीं बन पा रही, इतनी देर से इतना गंदा इग्नोर हो रहा है ना सुबह से, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। अब तो नहीं होगा भाई, अब मनानी भी आए तो भी नहीं मानूंगी मैं। यार प्लीज बोला ना, थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर मैं कर लूँगा। पूरा का पूरा वो सेट हो गई है, सुन लो यार। अच्छा मतलब क्या करना है, तो गाइस आप लोगों ने देख लिया पूरी की पूरी वो साइड होकर वहाँ पे बैठे हुए, चाहे नहीं रहा फुल इग्नोर कर दिया हम लोगों ने। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, ये इनका बॉक्स भी आ गया दियो मानो उसको मनाने के लिए। सारी तैयारी करके आया, सारी तैयारी करके आया। तो ये तो गाइस उसका प्रपोज करेंगे और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है, ठीक है? क्या हो गया, इतनी जल्दी गुस्सा हो गए? यार मैं इतनी देर से तुमसे मैं खड़े के बोल रही हूँ, तुमने कैसे ठीक किया मेरे को सबके साथ? अच्छा बाबा ठीक है, सॉरी। नहीं यार सॉरी, ठीक है आग बंद करो। मैं नहीं कर रही, कर तो लो। ये लो फोन रख लो, मेरे को नहीं लानी।
इतना पैसा इन्वेस्ट करना, इसको तो वैल्यू पढ़नी चाहिए। चल लिख अपने के दांतों से। क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों, इतना गुस्सा करते हो यार? ऐसे थोड़ी होता है, मैं इतनी बोल दूं तो आपको ही रिस्पांस करने के लिए। ले लो, पकड़ो इसको, पकड़ो तो पकड़ो, पकड़ो ये पकड़ो, ना तो मुझे लेने हैं, ना ठीक से बात कर रहे हो। सॉरी, इवन सबके सामने जो मैसेज अच्छा थोड़ी लगता है। एक हक तो बनता है। ये एक सरप्राइज और है, आइस क्लोज करो, पर रिस्क है, रिस्क है, बहुत देखो, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रुक जा, मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैं डीप सा लग रहा हूँ। अरे नहीं रुक गया यार, साइज गलत आ गया, अच्छा तो लग रहा है। अरे मैं फ्लो में बकचोदी कर रहा था, मैंने साइज का। ओहो लड़के, हम जाते ही, मतलब मैं बता रहा हूँ, एक बार इस लड़की ने देखा कि इसका ऐसा सीन चल रहा है, और तो मैं ऐसे ही कर रहा था। अब मेरे को लगता है कि हमें निकलना चाहिए, थोड़ा प्राइवेसी देनी चाहिए। बाय, चलो ऐसे क्यों कर रहे हो यार? कैसा लगा? जो सारी चीजें हमने करी है ना, जो फ्रेंड था और जो सीन था, मुझे बहुत पसंद करती है वो, लेकिन अब क्या करो भाई, मेरे को वो फ्रेंड ही अच्छी लगती है, मुझे नहीं करना चाहिए। बट लोग बोल रहे थे ना बहुत टाइम से, इसलिए मैंने फ्रेंड कर लिया। मार पड़ेगा तू देख लो, मार पड़ेगी यार। तुम्हें एक बात बोलनी थी, सिंपल, ये सारी जो चीज़ें मैंने करी है ना, ये प्रैंक था। मैं दे दूँगी इसको, ठीक है, रिंग भी दे दो यार। क्या हो गया, प्रैंक ही तो था यार, हद होती है किसी चीज़ की। और भी बहुत प्रैंक्स होते हैं, ठीक है, ये कोई प्रैंक करने यार, तुझे पता है ना, अभी रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं तुरंत किसी के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ जाऊंगा? तो यार ये प्रैंक करना ही नहीं चाहिए था ना तुम्हें, यार तू इतने दूर से आई थी, तुझे स्पेशल फील करना जरूरी था ना, और वैलेंटाइन डे भी चल रहा था, तो हमने सोचा कर लेते यार, कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं सॉरी 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 I'm going to go to the next one.
गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। और इससे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई है, मुझे लगा सच में मैंने इसको प्रपोज कर दिया। तो गाइस हाँ, तो गाइस इंस्टाग्राम पे वीडियोस अब आकाश की इसी के साथ आएगी है ना, जाने नहीं देंगे ना, जाने नहीं देंगे। गुस्सा हो गया, देखते हैं क्या होता है अगले ब्लॉग में। बाय।